हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है इनविटेशंस। आपने एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ये सब चैप्टर तो पढ़े ही हैं। इसके बाद इसी में जो 4 मार्क्स का रखा है इनविटेशंस, आपके एग्जाम में फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के रिप्लाई जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल इनविटेशंस का रिप्लाई कैसे तैयार करें, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे तैयार करें। देखिए, इनविटेशंस क्या होता है ये सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही मालूम है। अपने घरों पर जो इनविटेशंस आते हैं ऑब्वियसली वो फॉर्मल होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि फॉर्मल इनविटेशन का हम कभी रिप्लाई करते हैं, और न ही अगले वहाँ से हमें ये कहा जाता है कि आप रिप्लाई करें। तो हम फॉर्मल इनविटेशंस का रिप्लाई और इनफॉर्मल का जो रिप्लाई है वो सीखेंगे। तो फॉर्मल इनविटेशंस आप समझ गए होंगे, जो किसी एक समूह में, जैसे अपने घरों पे जो जितने भी कार्ड्स आते हैं वो एक साथ ही छपते हैं, एक ही जैसी लिखावट होती है, सेम उसी वे में छपे होते हैं। पर्टिकुलर कोई ऐसा नेम नहीं किया जाता, तो वह कौन सा इन्विटेशन है वो फॉर्मल है। तो हम पढ़ेंगे इनविटेशंस क्या है। इनविटेशन जो है वो एक बुलावा पत्र है। मार्क्स इसके जो हैं वो कितने रखे हैं, 4 रखे हैं। वर्ड्स वही हैं, कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में यहाँ पर आपको ये लिखना होता है। इनविटेशंस जो पर्टिकुलरली रिप्लाईज में मांगे गए हैं आपके यहाँ पे कि इनविटेशन का रिप्लाई दीजिए, तो आपको यहाँ पे इनविटेशन नहीं भेजना है, यानी आपको केवल रिप्लाई भेजना है। तो रिप्लाई आप कैसे भेजेंगे, रिप्लाई के बारे में आपको ध्यान देना है। देखिए, रिप्लाई के बारे में बात करते हैं कि इनविटेशन के रिप्लाई आपको बनाने हैं फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। ये रिप्लाई आपको करने हैं औपचारिक और ये अनौपचारिक है। जवाब, उत्तर जो आपको लिखना है अब फॉर्मल रिप्लाई करें तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, और इनफॉर्मल करें तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो हम बनाते हैं यहां पे। हम पहला ही ले लेते हैं फॉर्मल रिप्लाई के बारे में। फॉर्मल रिप्लाई कैसे करें, फॉर्मल रिप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है, फर्स्ट में आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, यानी इट इज रिटन इनफॉर्मल लैंग्वेज इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। इसके नेक्स्ट इट इज रिटर्न इन ए ट्रेडिशनल से मेरा मीन्स है कि आप लगभग जो जवाब दोगे वो एक ही तरह, एक ही वे में लिखे जाते हैं, केवल जो कार्यक्रम होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे
सिग्नेचर, नॉट मैड, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होता है, एड्रेस एंड सिग्नेचर। आर नॉट मैड इट मीन्स आपको पता सिग्नेचर्स ये सब जो खाना पूर्ति है वो फॉर्मल में नहीं की जाती है। आगे वाली बात करें कि डे डैट, अभी कार्यक्रम का नाम, ये सब जो है यानी हम कह सकते हैं ऑकेजन जो है इसमें वेन्यू जो है इट मीन्स प्लेस जो है आर गिवेन। ये सारी बातें एक फॉर्मल रिप्लाई में सम्मिलित की जाती हैं कि फॉर्मल रिप्लाई जब भी आप लिखने जा रहे हो तो आपको देखना है कि फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। फॉर्मल लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि कोई किसी तरह से इंडिविजुअल टॉकिंग नहीं करनी है, जो भी इंडिविजुअल टॉक है वो इसमें सम्मिलित नहीं होती है। जैसे अपने बात करते हैं कि हाँ यार मैं तो तुम्हारे शादी में आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, भाभी जी को भी, तुम्हारी भाभी को भी लेकर आऊँगा, ये सब बातें हैं वो इसमें नहीं होती हैं। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, तो थर्ड पर्सन आपको जानकारी होगी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ही सी दे, ये थर्ड पर्सन है, ये प्रोनाउन यूज होते हैं। और इट इज रिटन इन ए ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे का मतलब है सीधा सा कि आपको एक ऐसा परंपरागत तरीका जो आप अपने घरों पे इनविटेशंस में देखते हैं जनरली वो एक ट्रेडिशनल वे है, जिसमें वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें, आप जो है वो आकर के ये हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दैट इज़ द ट्रेडिशनल लाइंस, ऐसी लाइंस का प्रयोग किया जाता है। एड्रेस और सिग्नेचर्स जो हैं आर नॉट मैड, जैसे हम फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे तो टॉप पे एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप कहाँ से लिख रहे हो, और लास्ट में इसे बंद किया किसने किया, ये सिग्नेचर्स जो है वो मैड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाली बात भी यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। इट मीन्स ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ये इनफॉर्मल में इस तरह से नहीं होने हैं। कहने का मतलब ये है डे डैट प्रोग्राम इट मीन्स अकेजन नेम प्लेस, ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं, दैट आर नेसेसरी इन ए फॉर्मल इनफॉर्मल, ये तो सब में शामिल रहेगा। कि आप देखिए कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो सबसे पहले कार्यक्रम में जाने, कहने का मतलब आपके घर पे कोई कार्ड आया है तो श्योर आप उस कार्ड को पढ़ने वाले समय उसमें कार्यक्रम का नाम, दिनांक, जगह, ये सब देखते हैं। अगर बिना डेट एट वेन्यू के आप कहीं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते, इसलिए ये जो है वो पॉइंट बिल्कुल यहाँ प्रॉपरली बना रहेगा और आपको बनाना भी होगा जब भी आप कोई ऐसा इनविटेशन रिप्लाई करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि किस तरह से आप बनाएं। इससे पहले मैं एक इनविटेशन बनाना आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में इनविटेशंस बनाने या भेजने नहीं हैं, आपको केवल मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ उसको देखना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि यू आर मिस्टर राजकुमार फ्रॉम कुसुम्बी लाडनू
यू हैव फिक्स्ड योर डॉटर्स मैरिज ऑन 20 June 2020 at 7:30 PM at मिलन होटल लाडनू, ऐसा आपने यहाँ पे डाला। अब आपको ऐसे है कि ड्राफ्ट एंड इनविटेशन, ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन, मैं एक इनविटेशन बना रहा हूँ। पहले सबसे पहले आपको रिप्लाई नहीं बल्कि कैसे इनविटेशन बनाते हैं और इनविटेशन बनने और पढ़ने के बाद में हम रिप्लाई कैसे करते हैं ये सब इसमें देखेंगे। तो देखिए कि ड्राफ्ट है फॉर्मल इनविटेशन, टू योर रिलेटिव्स इन अबाउट 50 words। ये जो लिखा है एक्चुअली एग्जाम में आपके ऐसा इनविटेशन नहीं बनाने के लिए कहेगा। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन, ऐसा आपको कहा नहीं जाएगा, आपको तो फॉर्मल रिप्लाई के लिए कहा जाएगा। जैसे चलो ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि आप राजकुमार हैं, कुसुम्बी लाडनू से हैं, आपको आपकी बेटी की शादी जो है वो 20 June 2020 7:30 एक मिलन होटल एक प्लेस का नाम दिया है, यहाँ पे जो है वो आपने कार्यक्रम रखा है, तो आपको एक इनविटेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखो इसमें भी बॉक्स वाला है, इनविटेशन का रिप्लाई करोगे, रिप्लाई भी बॉक्स में है, तो ये मैकिंग भी बॉक्स में ही होनी है। ऐसे जब आप बना रहे हो तो कैसे बनाएं, इसमें क्या होगा कि जो भी व्यक्ति है उसका उस घर के मुखिया का नाम यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मिस्टर राजकुमार, मिस्टर राजकुमार एंड अगर मिस्टर जो भी है, एंड मिसेस रेखा, request the pleasure to attend the wedding party of their daughter Renu with Ramesh, फादर जो है इसका नाम भी आप काल्पनिक बना दें, रोहित राठौर, ऐसे आपने बनाया। एक्चुअली शायद सारे स्टूडेंट्स को पता लग रहा होगा कि हमारे घरों में भी जो इनविटेशन आता है वो डिजाइन किया हुआ होता है, ऊपर जैसे मिस्टर राजकुमार मिसेज रेखा रिक्वेस्ट द प्लीजर टू अटेंड द वेडिंग पार्टी ऑफ देयर डॉटर, इस पंक्ति में ये कह रहे हैं
कि एक शादी के इस शुभ अवसर पे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग पार्टी, तो ये एक वेडिंग पार्टी पे यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अटेंड होने के लिए ऑफ द डॉटर, बेटी का नाम रेणु है विद रमेश, रमेश के साथ जो संग आप जोड़ दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्नोप रोहित राठौड़ लिख दोगे, फिर नीचे यहाँ पे जो है ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसमें कार्यक्रम का दिन दिनांक जो है वो लिखना होता है, यहाँ पे जैसे आप लिख दोगे ऑन, तो ये कौन से समय कौन से दिन होने जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ऑन 20 जून 2020 एट, जैसा थोड़ा डिजाइन कर लो, एट 7:30 PM कहाँ पे हो रहा है, एट मिलन होटल लाडनू, ऐसे आप पढ़ते हो। ये आपका एक इनविटेशन आपके पास आया है, इधर वाले कोने पे जो है वो RSVP ऐसे सिखाया जाता है, यानी यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है, जबकि रिप्लाई में नहीं लिखेंगे एड्रेस, ये तो हम इनविटेशन बना रहे हैं भेज रहे हैं उस टाइम के लिए है, तो RSVP हो गया। और इसे जो है वो यहाँ पे जैसे नाम जो है वो राजकुमार है बंदे का, यहाँ पे नाम हो जाएगा राजकुमार, इसी के साथ में यहाँ पर जो है एड्रेस हो जाएगा कुसुम्बी, ऐसे उसका जो विलेज है कुसुम्बी लाडनू, मोबाइल नंबर, ये सब इसमें दे दिया जाता है और इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता है। इधर वाले में आप शुभेच्छु जो भी हैं उनके नाम लिख सकते हो, जो ग्रीटिंग करते हैं, जो भी अभिवादन करने वाले लोग हैं अन्य परिवार के, उन सब के नाम इधर आ जाते हैं। इस इनविटेशन को और थोड़ा लंबा खींचें, विस्तार से बताएं, तो यहाँ पर प्रोग्राम दे सकते हो, जैसे बान कब है, हल्दी हाथ जो भी, उसमें लेडीज सॉन्ग कब होने हैं, बारात कब अराइवल होगी, अभी डिनर कब होना है, और इसी के साथ में अपने जो मैरिज सेरेमनी है, पाणी ग्रहण संस्कार, ये सब यहाँ पे होना है। विदाई तक का प्रोग्राम आप इस कार्ड में पढ़ते हो जब आपके घर पर आता है, तो ये तो कार्ड आपके घर पर आता है, ये इनविटेशन आपके पास आया। मैं इस इनविटेशन को बना करके ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इनविटेशन आपके पास आया है, अब आपको रिप्लाई लिखना है, और रिप्लाई आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो टाइप से लिखनी है, या तो रिप्लाई है वो एक्सेप्ट करना होता है जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप रिप्लाई को एक्सेप्ट करो, या फिर रिप्लाई आपको क्या करना है, डिक्लाइन करना है। तो रिप्लाई के दो तरीके देने होंगे, जिनमें से एक आपको लिखना होगा कि स्वीकार करना है या फिर इसे इनकार करना है, ये आपको टाइप्स रखनी है। अब मैं क्वेश्चन आराम से मिटा सकता हूँ, ये कार्ड आपको मिला, ये कार्ड जो है वो आपको मिला, तो आपको यहाँ पे ऐसे कह दिया कि यू आर मिस्टर कैलाश, कि आप कैलाश हैं, हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम योर फ्रेंड राजकुमार टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर रेणु ऑन 20 June 2020 at 7:30 PM at, अभी ये होटल वगैरह का नाम आपके पास है, मिलन होटल लाडनो, ऐसे आपने यहाँ पे लिखा,
ये क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए। और यहाँ पे अगला ये हो जाएगा कि ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई फॉर द इन्विटेशन इन एक्सेप्टिंग वे ऐसा आपको दिया। तो देखिए स्टूडेंट, अब की बार आपको क्या करना है, फॉर्मल रिप्लाई करना है। इट मीन्स आपके एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में कहेगा कि फॉर्मल रिप्लाई बनाओ। तो फॉर्मल रिप्लाई कैसे बनाओगे, क्वेश्चन देखो, आपने कार्ड देखा, कार्ड पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन कर दिया कि आप कैलाश हैं, आपको इनवाइट किया गया है, हैव बीन इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया गया है किसके द्वारा, आपके मित्र राजकुमार के द्वारा, कहाँ, अटेंड द मैरिज सेरेमनी, एक शादी के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, अपनी उसकी बेटी जिसका नाम रेणू है, और कब हो रही है, इन तारीख को हो रही है, यहाँ पर हो रहा है, आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो इसे बनाने के लिए बॉक्स तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे लिखोगे वही लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए कि कैसे हमें बनाना है, ऐसे लाइन बना लीजिए और साफ साफ यहां पर ये बात लिख दीजिए कि मैं एक फॉर्मल रिप्लाई लिख रहा हूं। तो ये रिप्लाई हो गया। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आपको आपका नाम लिख देना है, चाहे इसे आप किसी तरह से ऑनर दे सकते हो, मिस्टर कैलाश थैंक्स, यानी आप धन्यवाद करोगे, किसको धन्यवाद करना है, थैंक्स मिस्टर राजकुमार। यहाँ पे आप स्वयं बन गए कैलाश, मिस्टर कैलाश, थैंक्स मिस्टर राजकुमार, राजकुमार को आपने धन्यवाद दिया किस बात के लिए, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। शायद स्टूडेंट्स को पता लग रहा होगा थर्ड पर्सन में यूज कर रहा हूं, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर रेनू। आप विद भी लिख सकते हो, कार्ड अभी आपने पढ़ा था। और यहां पे जो रेनू विद रमेश आपको याद है तो आप यहां पे लिख दीजिए, आप इसमें आगे जोड़ दीजिए कब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लिख दीजिए ऑन 20 जून 2020 एट 7:30 PM एट कौन सी जगह पे था। तो यहाँ पे आपने ऐसे निर्मल होटल या जो एक होटल का नाम लिया था मिलन होटल, ऐसे होटल का नाम दे दिया और लाडनो आगे आपने लिख दिया। देखो तीन बातें एक इनविटेशन में नेसेसरी रहेंगी कि कार्यक्रम कौन सी दिनांक को है, कौन से समय को है और कौन सी जगह को है। अगर ये इनमें से एक भी छोड़ देते हैं तो आपका ये ठीक नहीं बन रहा है। तो मेलन होटल लाडनो आपने लिख दिया। अब आपको लिखना है कि आप इसे एक्सेप्ट करिए, आपको जाना है इसमें, तो आप क्या लिखोगे कि He feels great pleasure. Accepting the invitation. Accepting the invitation.
ही विल श्योर कम इन टाइम। ऐसा करके आपको टोटली बंद कर देना है। देखिए ये रिप्लाई जो है वो 50 वर्ड्स जो आपको बताया जाता है फाइनली, तो आप इसे 30, 25 जितने भी वर्ड्स बनते हैं मतलब कंप्लीट कर दीजिए। ये आपने इस चार लाइन से ये तय कर दिया है कि आपका रिप्लाई कंप्लीट हो गया है। देखिए आपको कहा था कि आप कैलाश हैं, आपको इनवाइट किया था आपके मित्र ने, तो आप ही लिखोगे ना रिप्लाई। तो आपने कहा कि मिस्टर कैलाश, यानी खुद को बना लिया, मिस्टर कैलाश थैंक्स मिस्टर राजकुमार फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर रेनू रमेश। ये आपने लिखा और ऐसे करके आपने कहा। लास्ट में देखो यहाँ पे आपने स्वीकार कर लिया इसको, आपने कहा ही फील्स ग्रेट प्लीजर, इट मीन्स उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस हो रहा है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इस ऊपर जो इन्विटेशन आपने अभी पढ़ा था पिछले, तो उस इन्विटेशन को स्वीकार करके उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ही विल श्योर कम इन टाइम, वह निश्चित रूप से समय पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया और आपका रिप्लाई क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में हम आपको ये एक एग्जाम्पल सिखा पाए हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगला इनफॉर्मल फॉर्मल बहुत सारे काइंड्स के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से देखें वीडियो को।